अभी अभी एक अनजान आदमी ने एक बुजुर्ग आदमी को 3 फायर मारे और चला गया है। एक कारतूस ये पड़ा हुआ है, 1122 को इत्तला दी कर दी गई है और 15 पे भी कॉल कर दी गई है। आखिर कौन था, क्या दुश्मनी थी इस बुजुर्ग के साथ? 24-25 साल का लड़का था, रेड कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा। और प्रिंस के ऊपर था वो। अच्छा। ठीक है, LEK 16 मॉडल 11-27 नंबर था बाइक का। अच्छा। अभी अभी एक अनजान आदमी ने 3 फायर मार कर रोड पर ही एक बुजुर्ग आदमी को 3 फायर मारे और चला गया है। एक कारतूस ये पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, हमें इत्तला मिली, हम फौरन से ऑफिस से यहाँ पहुँचे। एक ये कारतूस है, एक कारतूस ये है और एक और यहाँ पर मौजूद होगा, ये देखें, एक कारतूस ये पड़ा हुआ है। तो 3 फायर लगे हैं, न जाने कौन है, बुजुर्ग आदमी है। 1122 को इत्तला दी कर दी गई है और 15 पे भी कॉल कर दी गई है अवाम की जानिब से। पुलिस भी अभी आती होगी, लेकिन अभी सांस चल रही है और 1122 भी आ गई है। आखिर कौन था, क्या दुश्मनी थी इस बुज़ुर्ग के साथ कि 3 फायर बेदर्दी के साथ मार कर और ख़ुद फरार हो गया? तो यहाँ के जो लोग थे वो बता रहे हैं कि एक आदमी था, मोटरसाइकिल सवार था। 1122 आ गई है, अभी सांस चल रही है, लेकिन फायर 4 किए गए हैं क्योंकि 4 कारतूस वहाँ पे पड़े हुए हैं रोड पर। कई दिन ये भाई मौजूद थे फायर मार के, आपने देखा? हाँ जी, मैं वो सीडियो पे जा रहा था, पार्सल लेना था मैंने। अच्छा। तो वहाँ से मैंने देखा 2 फायर पहले हुए हैं, मैंने कहा शायद कोई टायर वगैरह ना फटा हो। हाँ। तो जब मैंने देखा रश इकट्ठा हो गया, तो उसने 2 फायर पहले मारे हैं, फायर हुए हैं। तो लड़का था, बूढ़ा आदमी था, कौन था? 24-25 साल का लड़का था, रेड कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा। और बाइक ग्लासेस भी डाले, हाँ, 70 बाइक 70 पे सवार। हाँ जी। अच्छा। तो पिस्टल हाथ में पकड़ा था? हाँ जी, हाथ में पकड़ा था, ऐसे 2 फायर किए हैं और यहाँ से चला गया। अकेला ही था? अकेला ही था बाइक। पुलिस आ चुकी है, 15 पे कॉल की गई थी, अब रेस्क्यू की तरफ जानिब से हुई थी या आवाम की जानिब से हुई थी, पुलिस मौके पर पहुँच गई है। दाता साहब की पुलिस, SHO भी मौके पे इस टाइम और चेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 फायर लगे हैं और फायर करके वो फरार हो चुका था नौजवान। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नौजवान यहाँ पे मौजूद है, एनी शाहिदीन है, इसने देखा है उस कातिल को जो फायर मार कर फरार हो चुका था। भाईजान, किस हुलिये में था और किस पर सवार था वो? लॉर्ड प्रिंस के ऊपर था वो। अच्छा। ठीक है, LEK 16 मॉडल 11-27 नंबर था बाइक का। अच्छा। दो बंदे थे, एक वहाँ को दौड़ गया। अच्छा, दो बंदे थे? अच्छा। पहले ने 2 वाइफ फायर किया लड़के ने। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ना ये दौड़ा बाग मुछले साइड पे, इसने फायर पूरी मैगजीन चलाई है इनके ऊपर। ठीक है, फिर ये दौड़ गया। अच्छा। ये दौड़ गया, भाग गया था वो। फिर ये दौड़ गया, हमने नंबर नोट किया, ये बहुत स्पीड में गया, टाइप हो गया। दो थे वो? हाँ, दो थे, एक दौड़ गया वहाँ पे दरबारी साइड पे, एक इधर। लो जी, ये लाते जी, ये एनी शाहिदीन थे और मौके पे ये मौजूद थे। भाई ने देखा है उस कातिल को जो फायर मारकर वो फरार हो चुका है, बाइक पे था और नंबर वगैरह भी उन्होंने बता दिया। बाकी बताते हैं, मेरे साथ रहे।